नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्य ज्योति में। आज के इस वीडियो में हम लोग बशीर बद्र जी द्वारा रचित कोई चिराग नहीं है मगर उजाला है पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसी गजल की व्याख्या को देखा था, तो यदि आपने उस व्याख्या को नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, क्योंकि उसके द्वारा आप इस प्रश्न उत्तर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और साथ ही साथ यह पाठ को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर को देखना शुरू करते हैं। तो यह देखिए आपके सामने, जी तो पहला प्रश्न है कि इस पाठ के कवि कौन है। तो देखिए यहाँ पर चार विकल्प दिया गया है। पहला है साबिर अली, दूसरा है बशीर बद्र, तीसरा है जाबिर बद्र और चौथा है कैफी आजमी। तो ये चारों ही जो है वो गजलकार है और यह जो हम रचना है चिराग नहीं है मगर उजाला है, यह भी एक गजल है। तो इसके जो कवि या गजलकार हैं वो हैं बशीर बद्र जी। ठीक है, फ नंबर जो है इसका वो सही उत्तर है। पाठ के कवि कौन है? बशीर बद्र। दूसरा प्रश्न देखिए कि प्रस्तुत कविता का छंद है। ठीक है, तो मतलब ये किस छंद में लिखी गई है। इसके चार विकल्प हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पहला है दोहा, दूसरा है चौपाई, तीसरा है गजल और चौथा है रुबाई। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पहले वाले प्रश्न में ही आपको बताया कि यह रचना जो है वो एक गजल है। तो यह एक गजल है और गजल छंद में ही लिखी गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग। आइए अब इस पाठ से संबंधित हम लघु उत्तरीय प्रश्न को देखें। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, कवि ने दुश्मन के किस लहजे को अजीब कहा है और क्यों। यहाँ पर दो प्रश्न हैं। ठीक है, पहले तो आपको बताना है कि किस लहजे को और फिर दूसरा आपको बताना है क्यों। यहाँ पर दो प्रश्न होने के कारण ये लघुतरिया होते हुए भी थोड़ा बड़ा हो गया। तो देखिए उत्तर, कवि ने दुश्मन की मुस्कुराहट के लहजे को अजीब बताया है क्योंकि दुश्मन अपने उस लहजे से, अपने उस तरीके से कभी उसे पतन की ओर ढकेलता है तो कभी संभालता है। दुश्मन के परिवर्तित विचारधारा को कवि ने अजीब बताया है। बार बार उसकी जो विचारधाराएं बदलती रहती हैं, उसका जो लहजा बदलता रहता है, उसे उन्होंने अजीब बताया। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि गजल की शाख का आशय स्पष्ट। तो देखिए इसका आशय है कि कवि की कविता के हर पंक्ति में फूल खिला है, अर्थात हर पंक्ति में विचारों की खुशबू है। वह जो इस गजल में विचार प्रकट करते हैं वह हमें हर पंक्ति में देखने को मिलती है। और किस तरह, अगर आपको ये समझना है तो आपको निश्चय ही इसके आगे वाली वीडियो को जाकर देखना होगा, उसकी व्याख्या को समझना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि हर पंक्ति में किस तरह विचारों की खुशबू फैली हुई है। और इसीलिए कवि जो है गजल की शाख शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा प्रश्न, फसाद में जली मूरत पे हार डाला है के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। देखिए कवि का कथन है कि दंगों में निर्दोष लोग जलाए जाते हैं, लोगों को बेसहारा बना दिया जाता है, निर्दोष ही प्रभावित होते हैं। वास्तव में दंगों में कौन प्रभावित होता है? निर्दोष ही। और इसीलिए कवि जो है दंगों के इस अमानवीय पहलू की ओर लोगों का ध्यान, हम सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और इसीलिए इस पंक्ति का इस्तेमाल कह रहे हैं कि फसाद में जली मूरत पे हार डाला है। तो फसाद यानी दंगों का जो अमानवीय चेहरा है, जो हिंसक क्रूर चेहरा है, उसको बतलाया गया है। बेलिबास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये जो बेलिबास शब्द है अर्थ स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका अर्थ यह है कि बिना लिबास के यानी बिना वस्त्र के, बिल्कुल ही नग्न भाव यह है कि दंगों के कारण जो समाज होता है वो हमारा बेपर्द हो जाता है, बेपर्दा हो जाता है। उसकी जो वास्तविकता होती है, जो असलियत होती है, वह बिल्कुल लोगों के सामने आ जाती है। अब बोधमूलक प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या कहा गया है कि पहला प्रश्न जो है कि इस कविता का सारांश यानी पूरी कविता का सारांश आपको
अपने शब्दों में लिखना है। तो ये जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि आपको पूरे गजल का सारांश बताना है, तो थोड़ा सा बड़ा हो ही सकता है। ठीक है, देखिए, बसीर बद्र ने कोई चिराग नहीं है मगर उजाला नामक रचना के द्वारा मानवीय संवेदनाओं के कई छोटे छोटे चित्र अंकित। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर पंक्ति में विचारों की नवीनता देखने को मिलती है, तो उसके छोटे छोटे चित्र हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। उन्होंने गजल के महत्व को प्रकाशित किया है और बताया है कि बिना दिए के ही हर ओर उजाला है, अर्थात गजल जो है वो लोगों के भीतर ज्ञान भरने का काम कर रही है। गजल ही जो है वो लोगों के भीतर चेतना भरेगी, मानवीय समाज और देश का विकास हो सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग भाव भी व्यक्त किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने व्यक्तित्व का भी वर्णन किया है कि उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही संघर्षशील रहा है। अपने संघर्षशील व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए बताते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर उन्हें बहुत सारी मुसीबतें मिली और उन्हीं मुसीबतों और समस्याओं के बीच उन्हें जीने की आदत पड़ी, और इसीलिए मनुष्य को भी इन समस्याओं का सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार समस्याएं जो होती हैं वो हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व को बनाने के लिए आती हैं, हमारे भीतर नई चेतना, नई संवेदना, नई ऊर्जा लाने के लिए विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं। इसलिए हमें उनसे हार नहीं मानना चाहिए बल्कि उनसे लोहा लेना चाहिए। ये बात का प्रश्न देखिए, कोई चिराग नहीं है मगर उजाला है, कवि ऐसा क्यों कहता है का प्रतीकार्थक स्पष्ट की, यानी प्रतीक है तो उस प्रतीक के अर्थ को बताना है। देखिए, कवि ने स्पष्ट किया है कि बिना किसी दीपक के चारों ओर रोशनी फैली हुई, दीपक नहीं है मगर रोशनी फैली हुई है। दीपक का उजाला वहां फैलता है जहां अंधकार रहता है। और कविता कवि जो है वो अपने कविता की पंक्तियों में फूल की महक की बात कह रहा है। कवि जो है वो अपने इस गजल को दीपक की भांति बताता है कि दीपक तो नहीं है पर मेरे गजल के द्वारा प्रकाश फैल रहा है। फूल की टहनियों पर लगा हुआ जो फूल होता है वो चारों ओर सुगंध को फैलाता है। ठीक इसी प्रकार ये जो गजल है वे फूलों की तरह सुगंध फैला रहे हैं, जिसमें क्या है, पवित्रता है, पवित्र भाव है, संकीर्णता नहीं है। मानवता का प्रकाश स्तंभ स्वयं दीपक बना हुआ है, विराजमान है। ठीक है, आगे की पंक्तियों में देखिए क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों की संदर्भ, ठीक है, संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो चीजें बतानी है, एक तो हमें संदर्भ भी बताना है और संग में व्याख्या भी करनी है। ठीक है, दो प्रश्न है, एक ही शब्द में दो प्रश्न, संदर्भ के साथ आप व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ का क्या अर्थ होता है, संदर्भ का अर्थ होता है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है और उसके लेखक कौन है या कवि कौन है। तो देखिए पहली पंक्ति हम देखते हैं, निकल के पास की मस्जिद में एक बच्चे ने फसाद में जली मूरत पे हार डाला। ये दो पंक्तियां हैं और इन दो पंक्तियों के बारे में हमें सह संदर्भ व्याख्या करनी है, पहले संदर्भ बताना है और फिर व्याख्या करनी। तो देखिए, प्रस्तुत अंश कोई चिराग नहीं है मगर उजाला है पाठ से उद्धृत है, लिया गया है इसके कवि बशीर बद्र जी हैं। यहाँ तक हम लोगों ने इसके संदर्भ को बताया है, अब इसकी व्याख्या को बताएंगे कि इस अंश में कवि ने दंगों की भयंकरता, तो दंगे कितने भयंकर होते हैं इसका वर्णन किया है। दंगा फसाद असामाजिक तत्वों द्वारा, यानी कि जो समाज में रहने लायक नहीं है ऐसे तत्वों द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा फैलाया जाता है। दंगे की आग में हिंदू की प्रतीक मूर्ति जली हुई है और पास की मस्जिद से निकलकर एक बच्चा जो है उस पर फूलों की माला, फूलों की हार डालकर सम्मान करता है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो आम व्यक्ति होते हैं वे दंगा नहीं करते हैं, वे दंगों में भाग नहीं लेते, बल्कि जो मानसिक तौर पर संकीर्ण है, क्षुद्र विचारधाराओं वाले हैं, वे इन दंगों को लगाते हैं, लोगों के हृदय में, दिलों में नफरत भरने का प्रयास करते हैं, जो कि सही बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए वे ये भी बताते हैं, यहाँ पर एक बच्चे के माध्यम से वे बता रहे हैं कि बच्चा जो मस्जिद में शरण लिए हुए है वह जब बाहर निकलता है तो देखता है कि हिंदुओं की एक मूर्ति जली हुई है और वह उसे प्रेम और सम्मान देने के लिए उस पर हार
रहता है और बताता है कि जो आम लोग हैं उनके हृदय में पवित्रता है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति आपसी में आपस में भाईचारा है। इसके बाद की पंक्तियों देखिए क्या है, इसके बाद की दूसरी पंक्तियां हैं, तमाम वादियों से सहरा में आग रोशन है, मुझे खिजा के इसी मौसमों ने पाला है। तो इसमें प्रश्न क्या है, देखिए इसका प्रश्न बदल गया है, इसका प्रश्न है कि पंक्ति का भावार्थ सहित व्याख्या करें, यानी कि आपको भाव और व्याख्या दोनों ही बतलाना है। तो देखिए, सभी घाटियों में, तटों पर, बस्तियों में आग प्रदीप्त हो रही है, बड़े बड़े लोगों पर भी इसका प्रभाव है, इन्हीं वीरान स्थितियों में, इन्हीं मुरझाए वातावरणों ने कवि को पाला है। कवि कह रहा है कि ऐसे पतझड़ के मौसम में ही उसका जीवन बीत रहा है, और जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं वे इन प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने झुकते नहीं हैं, बल्कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल, अपने सकारात्मक, अपने पक्ष में बना लेते हैं। तो वे यही बता रहे हैं कि जो विपरीत परिस्थितियां हैं वे सभी जगह विद्यमान हैं, और उन्हीं विपरीत परिस्थितियों ने कवि के भी व्यक्तित्व का निर्माण किया। जो बड़े लोग हैं, प्रतिभावान हैं लोग हैं, वे इन प्रतिकूल, इन विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में हाल लेते हैं, इनसे घबराते नहीं है। ये बात की पंक्ति देखिए, गजब की धूप है, गजब की धूप है, एक बेलिबास पत्थर पर, पहाड़ पर तेरी बरसात का दुशाला है। तो इस पंक्ति के लिए क्या प्रश्न है, इस पंक्ति के लिए प्रश्न है कि ससंदर्भ व्याख्या, नहीं इसमें संदर्भ, जी हाँ बिल्कुल, ससंदर्भ व्याख्या करें, यानी यहाँ पर भी दो प्रश्न है, तो इसका संदर्भ भी वही है, इसीलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा है कि यह जो पंक्ति है वो इस पाठ से ली गई है। पाठ का नाम आपको पता ही है कि कोई चिराग नहीं है मगर उजाला है, और इसके कवि बशीर बद्र जी हैं। अब केवल व्याख्या बताई गई है, देखिए कि कवि स्पष्ट कर रहा है कि इन नंगे पत्थरों पर विचित्र धूप पड़ रही है, पहाड़ों पर बरसात की चादर बिछी हुई है, कहीं नग्न स्थिति है, कहीं परिधान है, किसी के पास वस्त्र है तो कोई एकदम बेपर्द है, कहीं आप कहीं तो कहीं जो है लोग वे एकदम नग्न अवस्था में पड़े हुए हैं। तो ये जो है वो हमें यहाँ पर हमें जो है अपवाद देखने को मिलता है। प्रकृति में क्या है, वैचित्र है, प्रकृति कहीं पर पूर्णता देती है, कहीं पर अपूर्णता देती है, कहीं पर खुशी देती है, कहीं पर गम देती है, परंतु व्यक्ति को क्या चाहिए कि इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से उन्हें देखते रहना चाहिए, स्थिर भाव से उन्हें देखते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा प्रश्न उत्तर हुआ। अब हम लोग इस पाठ के भाषा बोध को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो है कि पाठ में आए निम्नलिखित उर्दू के शब्दों का हिंदी रूप लिखिए। तो इस पाठ में कुछ उर्दू शब्द आए हैं, अब हमें उनका हिंदी रूप लिखना है। तो पहला शब्द है रोशन, रोशन का जो हिंदी रूप होगा वो है प्रज्वलित। ठीक है, यानी कि जिसे हम जलना भी कह सकते हैं, परंतु बिल्कुल ही शुद्ध रूप होगा प्रज्वलित। ठीक है, दूसरा शब्द है वादियों। ठीक है, वादियों शब्द का अर्थ है पर्वतीय अंचल। और तीसरा शब्द है खिजा, खिजा का अर्थ होता है पतझड़। ठीक है, रुकिए मैं फिर से लिख देती हूँ, खिजा शब्द का अर्थ होता है, एक सेकंड जी, खिजा शब्द का अर्थ होता है पतझड़, और उसके बाद का शब्द है फसाद, फसाद का अर्थ होता है दंगा। अर्थ यानी मत, यहाँ पर अर्थ नहीं, आप कह सकते हैं कि ये उर्दू का शब्द है और उसका हिंदी रूप हम लिख रहे हैं। इसी तरीके से शाख उर्दू का शब्द है और यहाँ पर इसका हिंदी शब्द क्या होगा, टहनी, पेड़ों की डालियाँ। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है मस्जिद, तो मस्जिद का आप क्या बना सकते हैं कि मस्जिद में रमजान पढ़ी जा रही है या पढ़ी जाती है, मस्जिद। ठीक है, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, मुस्कुराहट बच्चों
की मुस्कुराहट मासूम होती है। ठीक है, इसके बाद का शब्द है दुशाला। दुशाला का अर्थ आपको पता ही है, चादर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं गरीब गरीब लोगों को दुशाला तक नहीं मिल पाता। इसी तरीके से उसके बाद का शब्द है चिराग। लिख सकते हैं कि शाम होते ही हमें चिराग जलाना चाहिए। और इसके बाद का शब्द है अजीब। तो अजीब का क्या लिख सकते हैं, मोहन एक अजीब, अजीब यानी विचित्र। ठीक है, अजीब लड़का है। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने कुछ वाक्य बना दिए हैं, आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं वाक्यों को लिखें, वाक्य प्रयोग आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद का है विलोम शब्द आपको बताना है। तो पहला शब्द है धूप। धूप का तो आपको पता ही होगा, छांव। इसी तरीके से बेलिबास, बेलिबास का लिबास। दुश्मन का मित्र, दुश्मन का आप दोस्त कर सकते, दोस्त दुश्मन। ओके, मैं यहाँ अच्छे से लिख देती हूँ, दोस्त। के बाद आग, आग का पानी। फसाद का अर्थ होता है दंगा, तो दंगा फसाद, अमन देखिए शांति। के बाद देखिए, के बाद है कि बेलिबास शब्द में बे और दुश्मन में दुष, उपसर्ग जुड़ा है। आपको पहले ही पता है कि उपसर्ग क्या होता है, शब्दों के आगे लगता है और लगने के बाद जब किसी शब्द में उपसर्ग लग जाता है तो उससे एक नया शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बेलिबास शब्द में बे और दुश्मन में दुष उपसर्ग है। बे और दुष उपसर्ग से तीन शब्द बनाओ, यानी कि तीन शब्द लिखो, यानी बे और दुष से आपको तीन शब्द बनाने हैं। तो बे से देखिए, बेपरवाह, बे परवाह, बे गैरत, बे पनाह, बे मरवत, बेकार। ऐसे आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तरीके से दुह या दुष, ये एक ही है। ठीक है, दुष उपसर्ग से तीन शब्द बनाने हैं। तो देखिए, दुख के अलावा आप बना सकते हैं दुर्नीति, यानी बुरी नीति जिसे हम कह सकते हैं। के अलावा आप क्या बना सकते हैं, एक और शब्द आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं दुश्वार। दुश्वार शब्द का अर्थ क्या था, मुश्किल। इसने मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया। ठीक है, मुश्किल करके रख। ठीक है, तो ये आपका बन गया। तो यहाँ पर पाठ से संबंधित जो लघुतरीय प्रश्न थे, बोधमूलक प्रश्न थे या बहुविकल्पी प्रश्न थे, साथ ही साथ भाषा बोध के जो प्रश्न थे उसे हमने पूरा कर लिया है, ये समाप्त हो गया है। आशा है कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई सहायता अवश्य मिलेगी इस पाठ को पूर्ण करने में, पाठ को समझने में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे या आपके लिए उपयोगी हो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ धन्यवाद।